the value of cosec 30 minus 1045 or cot 60 into 1030 is. एक और सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है cosec 30 minus 1045 ब्रैकेट के अंदर वर्क cot 60 और 1030 का मान ज्ञात करें। तो केवल आपको वैल्यूज पता होना चाहिए कि cos 30 का मान क्या होता है, 1045 का मान क्या होता है, cot 60 का मान क्या होता है, 1030 का मान क्या होता है। मान रख दीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है cosec 30 डिग्री माइनस 1045 डिग्री, माइनस 1045 डिग्री, और आपको लिखा हुआ है cot 60 डिग्री और 10 30 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्या है वैल्यूज है, ये क्वेश्चन है आपके पास। cosec 30 का मान क्या होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो उसका अपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2, 1045 का मान 1, और ये cot 60 का मान होता है 1/√3, और 1030 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ तो आपको बचा 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1/√3 कितना हो गया 3, तो फाइनली आपका आंसर आया 1/√3 क्या हो गया आपका आंसर निकल आया। किस ऑप्शन में दिया आपको 1/3, तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1/3। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर वापस देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, एक और क्वेश्चन आया आपके पास, द वैल्यू ऑफ 26 माइनस 13 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज, देखते से आंसर दे देंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन लिखा है 26 माइनस 13 इंटू 2 और भागित कितना है, किससे डिवाइड करना है, 2 से प्लस 1। तो बॉर्ड मास कर दूं, नियम लगेगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये देखिए क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 26 माइनस 26 इंटू यानी कि डिवाइड बाय 2 इंटू नहीं प्लस 1, तो ये आपका हो गया 0, 0 डिवाइड बाय कितना 2 प्लस 1, 0 को डिवाइड करोगे 2 से तो 0 प्लस कितना हो गया 1, तो फाइनली आपका आंसर कितना निकल आया 1। तो सिंपल क्वेश्चन था, इस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी में, इसका आंसर भी ऑप्शन डी आ गया। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है आपको, इन अ सर्कल एबी इज द डायमीटर एंड सीडी इज अ कॉर्ड, एबी एंड सीडी व्हेन प्रोड्यूस मीट एट अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, इफ पीडी इज इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर, सीडी इज इक्वल टू 11.9 सेंटीमीटर एंड एबी इज इक्वल टू 30.6 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक वृत्त में एबी एक व्यास है और सीडी एक जीवा है, एबी और सीडी आगे बढ़ाए जाने पर वृत्त के बाहर एक बिंदु पी पर मिलती है, यदि पीडी बराबर 15.3 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 11.9 सेंटीमीटर, एबी बराबर 30.6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई एक वृत्त है जिसका व्यास एबी, तो चलिए हमने एक वृत्त बना लिया, व्यास हमने इसका बना लिया एबी, इसका सेंटर नहीं ओ होगा तो उसका सेंटर ओ बना दिया, ये एबी इसका व्यास होगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि सीडी इसकी एक जीवा है और एबी और सीडी आगे बढ़ाए जाने पर वृत्त के बाहर मिलते हैं, अगर वृत्त के बाहर मिलते हैं तो थोड़ा सा हमें त्रिज्या बनाना पड़ेगा सीडी को, तो ये हमने सीडी जीवा बना दिया, ये सीडी क्या होगी जीवा होगी। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं एबी और सीडी को, तो हमने सीडी को आगे बढ़ाया और एबी को आगे बढ़ाया, तो ये कहीं बाहर बिंदु पर मिलते हैं, ये जो बाहर बिंदु पर मिलते हैं वो बिंदु कौन सा है पी, तो ये कहाँ मिलते हैं पी बिंदु पर मिलते हैं। ठीक, अब आपको क्या क्या दे रखा है तो हम उसकी बात कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो इन्होंने बोला है इसके बाद कि पीडी तो आपको दिया है 15.3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि जो पीडी है 15.3 सेंटीमीटर है, ये पीडी आपको दिया है। सीडी आपको दिया है 11.9, ये कितना दिया आपको यहाँ से यहाँ तक 11.9 सेंटीमीटर आपको सीडी दिया है। इसके बाद एपी आपको दिया है, ये पूरा एपी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
एटी, ये आपको 30.6 सेंटीमीटर ये आपको दिया है। आपसे पूछा क्या है, वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। बहुत बढ़िया, आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है, ठीक है। चलिए तो अब क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए। तो देखिए, जब एक जीवा को बाहर बढ़ाते हैं और इसके व्यास को बाहर बढ़ाते हैं, या दो जीवाओं को बाहर बढ़ाते हैं, वो एक दूसरे को बाहर किसी बिंदु पर मिलती है। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जब हमने आपको बताया था कि PC into PD इक्वल टू होता है PA into PB, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कि PC into PD, वृत्त में ये प्रॉपर्टी होती है, ये बराबर होता है PA into PA into PB। अब इससे क्या होगा, देखिए हम आपको बताते हैं इससे क्या होगा। हम यहाँ से PB की वैल्यू निकाल देंगे। PB की वैल्यू हम निकालने के बाद यदि AP में से PB को माइनस कर देंगे तो AB आ जाएगा, और AB क्या है यहाँ पर, AB यहाँ पर वृत्त का डायमीटर है, मतलब व्यास, और जो AB आएगा उसका आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, ठीक। तो देखिए PC की वैल्यू कितनी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं PC की वैल्यू की, कि PC की वैल्यू कितनी है। तो अगर हम PC की वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे सर CD प्लस PD PC होगा, तो 9 × 3 = 2 हासिल में 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 1 = 7, और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका 27.2, ये आपका क्या आ गया PC। अब हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर हमें AP तो दिया है, PD भी हमारे पास दिया है, तो PD आपके पास कितना है, तो PD आप कहेंगे सर हमारे पास है 15.3, तो PD भी आपके पास है। तो PC हमारे पास हो गया, PD हमारे पास हो गया, PA हमारे पास है, PB हमारे पास नहीं है, तो PB यहाँ से आकर के डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, ये x मान लिया, PB को कितना मान लिया हमने, x मान लिया। तो चलिए अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे तो देखिए हमारी PB की वैल्यू निकल आएगी, तो PC कितना है, तो आप कहेंगे सर 27.2। PD कितना है, तो आप कहेंगे सर PD हमारे पास 15.3। PA कितना है, तो आप कहेंगे सर 36.6, और PB कितना है, तो PB आपने x माना। तो यहाँ से PB निकाल लीजिए, सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए एक पॉइंट से तो आप सबसे पहले एक पॉइंट खत्म कर, एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म हो गया, कौन से नंबर कैंसिल आउट हो रहा है वो देख लीजिए, ये 3 से कट रहा है, 3 से 15 3 = 3, 3 से 3 = 3 0 × 3 = 6, ठीक है। 17 × 6 = 102 होता है, 17 × 3 = 5 होता है, तो 17 × 6 = 102 और 17 × 3 क्या होगा, 3 से ही कितने बार कट गया, 2 बार, तो 2 से भाग जाएगा इसमें, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, यानी कि x क्या था, PB। तो PB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13.6 निकल कर आ गई। PB कितना निकल आया, 13.6। अब PB आपने 13.6 निकाल दिया, तो PA में से PB माइनस कर दो तो AB आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, AB निकालेंगे। AB कैसे आएगा, तो आप कहेंगे सर PA माइनस क्या कर दीजिए, PB कर दीजिए, तो PA कितना है, तो आपको पता है 30.6 है, उसमें से 13.6 माइनस करना, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 17 बचेगा, कितना बचा, 17। AB यानी कि व्यास आपके पास कितना आ गया, 17। तो रेडियस आपको निकालनी है, त्रिज्या आपको निकालनी है, तो त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर रेडियस जो है AB का आधा हो जाएगा, तो R हो जाएगी AB का आधा, ठीक है। तो AB कितनी है, 17 का आधा 8.5, 8.5 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में वैल्यू दी थी, तो सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा, 8.5 मान दिया है, तो 8.5 ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर, क्लियर। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट, इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन देखिए। यहाँ लिखा है PAQ इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एट अ पॉइंट A ऑन इट, AB इज अ कोण सच दैट एंगल BAQ इज इक्वल टू HDQ वेयर x इज लेस देन 90 डिग्री, C is a point on the major arc AB such that angle ACB is equal to y degree. If angle ABO is equal to 32 degree, then the value of x plus y is.
सिंपल देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, उसके हिसाब से उसका डायग्राम ड्रॉ करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बिंदु ए पर पीएडी एक स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ओ केंद्र वाला हमने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है। ये बिंदु ए पर पीएडी एक स्पर्श रेखा है, चलिए तो इसके बिंदु ए पर एक पीएडी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। इसके बिंदु ए पर एक पीएडी क्या हो गई, स्पर्श रेखा होगी। चलिए हमने ये स्पर्श रेखा बना ली, कहां स्पर्श कर रही है, ए पर, तो ये पी ए डी स्पर्श रेखा होगी बिंदु ए पर। इसके बाद उन्होंने बोला ए बी एक ऐसी जीवा है कि बी ए क्यू बराबर एक्स, ए बी, अब ए बी जीवा है तो कहीं भी बना सकते हैं आप, तो हमने यहां पर ये ए बी बना दिया, ए ये है और ये बी है, ए बी जीवा हो गई, ए से बी जीवा हो गई। अब इसके हिसाब से बी ए क्यू एक्स डिग्री है, अब बी ए क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू तो यहां पर है ही नहीं, बी ए क्यू यहां पर देखिए बी ए क्यू तो वहां भी दे रहे हैं बी ए क्यू, बी ए क्यू, अच्छा बी ए क्यू, क्यू तो यहां पर नहीं है ही नहीं, तो ये क्यू नहीं है, इसको आप ओ कर लीजिए भाई, क्योंकि क्यू की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं हुई है, इसको आप ओ कर लीजिए, ये क्या होगा, ओ बी ए ओ, ये क्या होगा, बी ए ओ, ठीक है, बी ए ओ आपको एच डी ने दिया है, तो बी ए ओ यानी कि ये वाला जो एंगल है ये आपको एक्स डिग्री दिया है, ठीक। इसके बाद आप देखिए इन्होंने बोला एक्स का मान 90 से छोटा है, एक्स का मान 90 से छोटा है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो एक्स का मान 90 से छोटा होगा, त्रिज्या को यदि स्पर्श रेखा से मिला दे तो 90 डिग्री बनता है, ये पूरा एंगल 90 होगा, इस तरफ भी 90 इस तरफ भी 90, तो एक्स के 90 छोटा है, यानी कि अपन सही जा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि सी दीर्घचाप, ये देखिए ये जो ए बी जीवा है इसका ये लघु चाप और ये दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप पर, दीर्घ चाप ए बी पर, तो ये दीर्घ चाप ए बी पर एक ऐसा बिंदु है कि यहाँ पर कहीं भी आप इसको सी को डिनोट कर सकते हैं, तो ये हमने सी बना लिया, सी यहाँ पर एक बिंदु हो गया, बिंदु है कि ए सी बी बराबर बाई डिग्री, ए सी बी, ए सी बी, तो थोड़ा सा इस तरफ बना लेते हैं, नहीं क्लियर हो जाएगा, इस बिंदु को आप इधर बना लीजिए, ठीक है, ये सी आपको यहाँ बना लीजिए, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ए सी बी कितना है, ए सी बी आपको कितना दिया है, तो ए को सी से मिलाइए और फिर आप बी से मिला लीजिए, तो ए सी बी आपको कितना दिया है, बाई डिग्री दिया है, ए सी बी आपको कितना दिया है, बाई डिग्री दिया है, और ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ आपको 32 डिग्री दिया है, ए बी ओ यानी कि ये वाला एंगल अगर हम बात करें, चलिए दूसरे कलर से मैच कर लेते हैं, ए बी ओ, ये ओ को अगर बी से मिला दें तो ए बी ओ ये आपको कितना दिया है, 32 डिग्री दिया है। अब आप देखिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन आपके लिए, डायग्राम जब ड्रॉ हो गया आपको निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई निकालना, तो पहले तो देखिए आपकी वैल्यू निकाल दी एक्स प्लस वाई की, एक्स प्लस वाई है कितना, ठीक। अब आप देखिए ओ सेंटर था, ओ क्या है आपका, सेंटर है, ओ क्या है, सेंटर है, तो अगर हम ओ की बात करें तो ओ क्या है, यहाँ पर सेंटर है वृत्त का, अगर ये सेंटर है तो अब आप बताइए यहाँ पर कि ओ ए और ओ बी क्या होंगी, रेडियस, तो जब ओ ए और ओ बी रेडियस है तो ये दोनों एंगल साइड बराबर हो जाएंगे इस ट्राइंगल में, तो अगर हम बात करें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी में बात करें तो आप कहेंगे सर ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या है, ये रेडियस है, तो इस हिसाब से अगर ये रेडियस है तो ये बराबर होगी, तो इनके अपोजिट एंगल यानी कि एंगल ए और एंगल बी ये भी कैसे हो जाएंगे बराबर, यानी कि 32 डिग्री हो जाएंगे, एंगल ए आपको एक्स दिया है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई, तो यहाँ से ये एक्स आपको 32 मिल गया। अब इसी ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता है, इसी ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता है, ये 32 ये 32 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये 64 हो गया। अब 64 को यदि हम 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल ए ओ बी आ जाएगा, तो एंगल ए ओ बी कैसे निकलेगा, एंगल ए ओ बी कैसे निकलेगा, 180 में से क्या माइनस कर दीजिए, 64 माइनस कर दीजिए, देखिए 10 में से 4 जाएगा तो आप कहेंगे सर 6, 7 जाएगा तो 1, 116 डिग्री, 116 डिग्री आपका ए ओ बी आ गया, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है जिसको हमने मेंशन किया है, तो ये कितना आ गया, ये यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि आपका 116 डिग्री आ गया, ठीक, ये आपका 116 डिग्री आ गया। अब आप देखिए
यहां से एक बहुत अच्छी बात निकल कर आएगी, यहां पे 116 डिग्री आ गया। तो अब आप देखिए जीवा एबी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके परिधि पर बने कोण का कैसा होगा, दुगना होगा। तो ये अगर ये 116 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, इसकी जस्ट आधी होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि वाई क्या है, 116 का हाफ है। ये प्रॉपर्टी लग गई यहां पर, तो 2, 5, 10, 2, 8, 16, तो ये 58 डिग्री आ गई। वाई की वैल्यू 58 डिग्री आ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो अगर ये 116 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा, तो ये क्या है, वाई डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 58 आ गई। वाई की वैल्यू 58 आ गई, एक्स की वैल्यू 32 है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई निकालना है। तो एक्स प्लस वाई आपको निकालना है, तो एक्स की वैल्यू 32, वाई की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 58। आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60, 90। तो 90 डिग्री आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो एक्स प्लस वाई कितना निकल कर आएगा, 90 डिग्री। किस ऑप्शन में दिया है आपको, अरे 90 तो आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो कहां गलती हो रही है भाई, एक बार और देख लेते हैं, ऑप्शन में गलती तो नहीं है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, इन्होंने एंगल ए सी बी, ए सी बी आपको वाई डिग्री दिया है, एंगल ए बी ओ, ए बी ओ 32 डिग्री दिया है, एंगल बी ए क्यू, बी ए ओ, बी ए ओ आपको एक्स डिग्री दिया है। तो ये तो बात क्लियर है, ये 32 तो ये 32, 32 से 32 कितना हो गया 64 और 16 करेंगे 70, 80, 180। तो ये आपका ए ओ बी 116 आ गया, तो वाई आपका जस्ट आधा हो जाएगा, 116 का आधा हो जाएगा ये आपका। तो 116 का आधा आपका 2, 5, 10, 2, 8, 16 बिल्कुल सही है, 58 ही आएगा वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू 58 आ गई, एक्स की वैल्यू आपकी 32 है, इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो 90 डिग्री ही आंसर आएगा। तो आई थिंक ये जो 98 है ये मिसप्रिंट है, जिस प्रकार मिसप्रिंट वहां पर क्यू में हो गई थी, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिए, इसको आप 90 डिग्री कर लीजिए, तो ऑप्शन बी बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक, जहां तक कैलकुलेशन की गई है वो सही है, और कोई यहां पर कोई दिक्कत की बाकी नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी 90 डिग्री। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आज समझ में आए होंगे, जितने भी हमने 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार भरपूर प्यार हमको दें, जिससे हम आपके लिए आगे निरंतर रूप से वीडियो बनाते रहे। ठीक है ना, चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने ऑफिशियल ऐप की। यदि आपने अभी तक हमारा ऑफिशियल ऐप स्टडी एडिटर डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लें, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात, ये यूजर फ्रेंडली ऐप है, जिसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, उनके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। और यदि आपको ये स्टडी पैकेज परचेज करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्म में, यदि आप अलग से एक पैकेज खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पोर्टल भी है, यानी कि वहाँ पर आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ओलंपियाड कॉर्नर भी दिया है, मीन्स जो हार्ड क्वेश्चन का कलेक्शन होता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद तो है ही है, यदि आपका कोई छोटा भाई बहन एकेडमिक की तैयारी कर रहा है तो उस पर्पज से भी ये ऐप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको एकेडमिक के कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो यदि अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड करें, और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है, जिससे सभी लोगों को अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का कलेक्शन और सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल सके। तो आपका भला तो सबका भला, यानी कि हमारा भला तो सबका भला। ठीक है, क्लियर बात, तो सभी का आपको भला करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। इन्हीं सब बातों के साथ में आज हम अपनी क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।